द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। तो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमको मालूम करना है। देखिए, ए से चार्ज इंटर करेगा और वो पूरा का पूरा चार्ज पॉइंट बी तक जाने की कोशिश करेगा। तो उसको जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये बिल्कुल सीधा यहाँ से वो चलते हुए एंड तक आएगा और उसके बाद नीचे चला जाएगा, ये पहला रास्ता है। और दूसरा रास्ता ऊपर से है, ये ऊपर से जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये तीनों कैपेसिटर्स में से इक्वल चार्ज फ्लो करने वाला है, तो ये तीनों कैसे आ जाएंगे सीरीज में। यानी हम सबसे पहले सी इक्विवेलेंट मालूम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसका फॉर्मूला क्या है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जो यहाँ के केस में 1/C, क्योंकि सभी का कैपेसिटेंस सी के बराबर है, इसलिए 1/C + 1/C + 1/C आ जाएगा। यानी कितना, यानी 3/C, ये आ गया 1/C इक्विवेलेंट। यानी C इक्विवेलेंट बन चुका है C/3, ठीक है। सर्किट एक और बार ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट A, यहाँ से ये तीनों कैपेसिटर्स निकाल कर मैं सिर्फ एक कैपेसिटर यहाँ लिख लेता हूँ, वो है C/3 के बराबर, और हम चले गए पॉइंट P तक। उसी तरह पॉइंट P पर आने के लिए A से ही दूसरा रास्ता है, जहाँ पे कितना कैपेसिटर है, जहाँ पे कैपेसिटर C कनेक्ट है, और ये पॉइंट B सीधा कनेक्ट है पॉइंट B को, इसलिए मैं पॉइंट B को आगे बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट A, और ऊपर की तरफ कैपेसिटर आ गया C। बिल्कुल सिंपली हमको समझ आ रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, यानी उनका C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होता है, C1 + C2। यानी पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C + C/3 के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3C + C/3, आंसर आना चाहिए 4C/3, इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। आंसर चेक कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए।